हेलो एवरीवन, मैं शुभम जैन स्वागत करता हूँ आपका आरबी चैनल में। आज हम वैल्यू पुटिंग मेथड सीखने वाले हैं, ठीक है। वैल्यू पुट कैसे करके आप अपने क्वेश्चन का कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, वो सारी हम चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। वैल्यू पुटिंग मेथड आपने हो सकता है कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ हो, लेकिन जो हम सीखेंगे वो सबसे डिफरेंट होने वाला है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ किन क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट कर सकते हो, किन क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्या रैशनल होता है वैल्यू पुटिंग मेथड का। साथ ही साथ मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि किस तरह से आप कौन सी वैल्यू पुट करो जिससे कम से कम टाइम में आपका आंसर आ जाए, ठीक है। किस तरह से आपको ऑप्शंस की हेल्प लेनी है वैल्यू पुट करते टाइम भी, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी पढ़ेंगे जो आपको ना ही किसी बुक में मिलेंगी, ना ही किसी टीचर ने आपको ऑनलाइन कभी पढ़ाया होगा। कुछ चीज़ें मेरी खुद की क्रिएट करी हुई हैं और कुछ चीज़ें आपको हो सकता है किसी टीचर ने पढ़ा रखी हो, लेकिन जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे वो अपने आप में डिफरेंट होने वाली हैं। और आप देखोगे इसके बाद आप वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करते टाइम कभी भी गलती नहीं करोगे। जब भी आप वैल्यू पुट करोगे अलजेब्रा के क्वेश्चन में, आप एकदम सटीक और सही आंसर पर पहुंचोगे, ठीक है। आज के सेशन में लगभग हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन जो कि हैं ये ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपको मिल जाएंगे, और ये वो क्वेश्चन जो कि फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ्स के रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है उनमें ये सारे क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चनों में मैं आपको कहूँगा कि आप कुछ वैल्यूज याद रख लो जो कि आपको एग्जाम टाइम में हेल्प दे सकता है, आपका टाइम बचा सकता है। तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से समझना, अपना माइंड खुला रखना, जिससे कि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हम कहाँ पे अपनी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, कहाँ पे हम जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर इसे आप वैल्यू पुटिंग मेथड से करना चाहते हो तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन एक्सप्रेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हो। सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी होगी, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है नंबर ऑफ वेरिएबल्स से तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में समझते हैं, आप देखोगे यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है, जब आप किसी भी पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दो तो वो हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। तो इस इक्वेशन में देखोगे आपको सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी है, तीन वेरिएबल्स हैं आपके पास यहाँ पे, और आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। इक्वेशन एक है, तीन वेरिएबल्स हैं, तो आप यहाँ पे दो वेरिएबल्स को कुछ भी मान के एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें आप वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हो। जब भी आप वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करो आपको ये देखना होगा जो इक्वेशन दे रखी है अगर वो सफिशिएंट नहीं है तीनों वेरिएबल्स की इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए, तब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे हमने लिखा है इक्वेशंस आर नॉट एबल टू गिव द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल्स बाय देमसेल्फ। जैसे कि इस इक्वेशन में है आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, क्या आप इंडिविजुअली वैल्यू निकाल सकते हो ए बी और सी की? सी की और बी की आपने वैल्यू डिफरेंट मानी तो आपको हमेशा ए की वैल्यू अलग मिलेगी। अगर आपने सी को वन माना और बी को टू माना तो आपको ए की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू आपकी माइनस थ्री हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे सी को जीरो मान लिया तो और बी को क्या मान लिया वन मान लिया, तो आपकी ये वैल्यू एक ही माइनस वन हो जाएगी। तो हर केस में आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, जो भी दो वैल्यू आप एज्यूम करोगे तीसरी वैल्यू हर केस में आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलेगी, क्लियर। तो वैल्यू पुटिंग मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है नंबर ऑफ वेरिएबल से फिर भी आप वैल्यू पुटिंग मेथड उस केस में अप्लाई नहीं कर पाओगे जब जो आपको इक्वेशन दे रखे हैं वो सफिशियंट है आपको जितने भी वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमने ये वाला केस पढ़ा था कुछ टाइम पहले, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एक्सप्रेशन अगर जीरो आ जाए तो उस केस में हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू अपने आप ही निकल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दे रखे हैं ओ ए और बी, और आपको पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन आपके पास यहाँ पे एक है लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, वेरिएबल्स आपके पास यहाँ पे दो हैं, लेकिन इस केस में आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है क्योंकि इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे, आपने देखा था हमने लास्ट सेशन में भी करा था, किस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो इस इक्वेशन में हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है थ्री और बी की वैल्यू आ जाती है टू, ठीक है। तो ये इक्वेशन बस ए की वैल्यू थ्री और बी की वैल्यू टू पे सेटिस्फाई होगी और किसी वैल्यू पे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इस केस में हम वैल्यू खुद से ज्यूम नहीं कर सकते, जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसी से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। इस तरह के सारे केसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको वैल्यू खुद से माननी है और कहाँ आपको वैल्यू एज्यूम नहीं करनी है, क्लियर। तो आपने ये देखा यहाँ पे आप वैल्यू तब एज्यूम कर सकते हो जब नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या हो आपके पास कम हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, ठीक है, और जो आपको इक्वेशन दे रखी हो वो सभी जो वेरिएबल्स हैं उनकी इंडिविजुअल वैल्यू बताने के लिए काफ़ी नहीं हो, तब आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। और जो भी आप वैल्यू एज्यूम करोगे जो इक्वेशन में गिवन कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, नीचे है b माइनस सी सी माइनस ए। अगर इसमें आप क्या कर लेते हो, आप a और b को इक्वल रख देते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही आपने a और b को इक्वल रखा से आपने a और b को क्या रख दिया वन, ए क्योंकि आपके पास एक भी इक्वेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आपसे बस इस पोर्शन की वैल्यू पूछी गई। इक्वेशन आपके पास यहाँ पे क्या है,
इक्वेशन है आपके पास जीरो, आपसे डायरेक्टली एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है, तो इसमें आप ए बी और सी तीनों की वैल्यूज मान सकते हो, ठीक है, ए की वैल्यू भी मान सकते हो, बी की वैल्यू भी मान सकते हो, सी की वैल्यू भी मान सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने ए इक्वल टू बी इक्वल टू अगर इस क्वेश्चन में वन कर दिया, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा, तो ये इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हम इस तरह की वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, हमें वो वैल्यू रखनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, जो आपको जो पूछा गया है वो आप वैल्यू निकाल सको। इस इक्वेशन में आप अलग अलग वैल्यूज रख सकते हो, से आप ए की वैल्यू वन रख सकते हो, बी की टू रख सकते हो, सी की थ्री रख सकते हो, जिससे इस इक्वेशन में आपको जीरो बाय जीरो की फॉर्म ना मिले, आपकी जो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड ना हो जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम समझते हैं वैल्यू एज्यूम कैसे करनी है, ठीक है। वैल्यू आपने ये समझ आ गया कि कहाँ आप वैल्यू पुट कर सकते हो और कहाँ आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब बात यहाँ पे आती है कि आपको वैल्यू क्या एज्यूम करनी है, कौन सी वैल्यू आप रखोगे जिससे आप कम से कम टाइम में अपना आंसर निकाल सको। आपको वो वैल्यू एज्यूम करेंगे जो आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसका मोस्ट पार्ट को रिमूव कर दे, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, आप देखोगे यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, और आपने ऑप्शंस चेक करे, ऑप्शंस में कहीं भी सी नहीं है। तो अगर आप इस इक्वेशन से सी को रिमूव कर दो, सी की एक ऐसी वैल्यू रखो जिससे आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाए, तो वो वैल्यूज आप रख सकते हो। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में सी को जीरो रख दूँगा तो मैक्सिमम पार्ट हमारा रिमूव हो जाएगा और हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। सोल्व अभी करेंगे, पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझ लें। जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, जितने भी वेरिएबल्स हमें दे रखे हों सभी वेरिएबल्स को, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम जीरो बना दें, जिससे कि हमारी इक्वेशन छोटी से छोटी हो जाए। जनरली जो हम वैल्यूज रखते हैं वो होती है जीरो, वन और माइनस वन, ठीक है। सबसे पहले जीरो रख के देखा, अगर जीरो नहीं रख पा रहे तो वन रखेंगे, वन नहीं रख पा रहे तो माइनस वन रखेंगे। इस तरह से हम वैल्यू पुट करते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज में हमारा एक्सप्रेशन ना जाए, हमारी इक्वेशंस ना जाए, तो इस तरह की हम वैल्यूज रखते हैं। लेकिन आप ऐसे भी केसेस देखेंगे जहाँ पर हम कुछ और वैल्यूज रखेंगे जिससे हमारा आंसर कुछ ही सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है, वो चीज हम सारे डिस्कस करेंगे। हमें कभी भी वो वैल्यू नहीं रखनी होती जो डिनोमिनेटर में जीरो दे दे, ठीक है। कभी भी हमें जीरो बाय जीरो की फॉर्म नहीं मिलनी चाहिए वैल्यू रखने के बाद, ना ही हमें वन बाय जीरो इस टाइप की फॉर्म मिलनी चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर में आपका जीरो आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जैसे ही जीरो आएगा आपका क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो हमें वो वाला केसेस नहीं लेने, तो डिनोमिनेटर में कभी भी हमें जीरो नहीं बनाना है वैल्यू रखते टाइम। जब भी हम वैल्यू रखें सबसे पहले हमें ऑप्शन चेक करने हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलरली वैल्यू रख रहे हो किसी इक्वेशन में और हो सकता है उस वैल्यू पे आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन मैच कर जाएं, जब आपके ऑप्शंस में वेरिएबल्स हो, ठीक है, वो केस भी देखेंगे। जब आपके ऑप्शन में वेरिएबल्स हो, एक से ज़्यादा ऑप्शंस मैच कर जाएं जो आप वैल्यू रख रहे हो उससे, तो उस तरह की वैल्यूज आपको नहीं रखनी। आपको सबसे पहले ऑप्शंस में देखना है जो आप वैल्यूज रख रहे हो उससे आपका कोई भी ऑप्शन सेम तो नहीं हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे तो आप वैल्यू पुट करके आंसर भी निकालोगे, तो फिर आप अटक जाओगे, फिर आप नई वैल्यूज रखोगे, तो ऐसा काम नहीं करना। अब एक एक करके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। आपको वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए सी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन है आपके पास और यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब आप दो वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो और तीसरे वेरिएबल की वैल्यू आप वहां से निकालोगे और इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपने जैसे ही इस एक्सप्रेशन को देखा, आपने यहाँ पे क्या देखा, माइनस ए सी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सी स्क्वायर आ रहा है। मैं इस वैल्यू को जीरो बना सकता हूँ क्या? अगर मैं सी को जीरो रख दूँ तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, यहाँ से सी स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी कट जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास जीरो भी नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी को जीरो रखते ही ये वाला एक्सप्रेशन खत्म कर देंगे। उसके बाद आगे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे सी को जीरो रखा ऊपर वाली इक्वेशन में, आपके पास क्या मिल गया, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो और ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस बी। अब हमारे पास एक इक्वेशन बची, दो वेरिएबल्स बचे। अब हम यहाँ पे भी एक वैल्यू को कुछ भी मान सकते हैं। से आपने यहाँ पे क्या करा, अब बी को वन मान लिया, बी को वन माना आपने यहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन, ठीक है। आपको ए बी और सी तीनों की वैल्यू मिल गई, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। आपने क्या करा, सबसे पहले जीरो को इक्वल करा तो आपके पास मिला यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जीरो डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस जीरो, ठीक है। तो जीरो का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर आपको मिला, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा ए इक्वल टू माइनस बी है, तो यहाँ पे अगर ए स्क्वायर की जगह माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर टू आ जाएगा, टू आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे आपको बी की वैल्यू अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ी, बी की वैल्यू अगर आप यहाँ पे वन भी रख देते और ए की वैल्यू माइनस वन भी रख देते तब भी आपका आंसर क्या आता, तब भी आपका आंसर आता टू, ठीक है। ऑप्शन से चेक करा हमने,
ऑप्शन वन फोर है, ये हमारा सही नहीं हो सकता। ऑप्शन टू सेकंड है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन थ्री माइनस वन है, ये करेक्ट नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, ए प्लस बी। अब हमें ए प्लस बी की वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा कि हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने बी की वैल्यू यहाँ पे क्या मानी थी, बी की वैल्यू वन मानी और ए की वैल्यू माइनस वन मानी, तो आपका ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो आपका क्या होगा, ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। क्लियर ये चीज़। इस तरह से आप वैल्यू पुट करके इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। अब एक बार बेसिक तरीके से समझते हैं इस क्वेश्चन को, बेसिक तरीके से कैसे करना है, क्योंकि हमें आना चाहिए बेसिक तरीके से भी। अगर एग्जाम में सोल्व करना पड़ता है तो कैसे हम सोल्व करेंगे, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको बेसिक तरीके पे ना जाना पड़े, लेकिन और क्वेश्चंस में हो सकता है आपको बेसिक तरीके से करना पड़े। तो वो समझ लेते हैं बेसिक तरीके से आपको कैसे करना है, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए इस तरह के क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। आपसे वैल्यू पूछी गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए सी की। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी है, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर मिला, अगर मैं ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को कहीं से हटा दूं और यहाँ पे ए सी की टर्म में अपना आंसर ले आऊँ, तो हो सकता है हमें अपना आंसर मिल जाए, ठीक है। हमें ए सी का रिलेशन चाहिए बी स्क्वायर माइनस ए सी की टर्म में, ठीक है। इस तरह से हमें कोई रिलेशन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसे स्क्वायर बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप इसे लिख सकते हो ए प्लस सी इक्वल्स टू माइनस बी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी। आपने देखा यहाँ पे ए स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू आपके बी स्क्वायर और ए सी के टर्म्स में मिल गई, जो कि आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कुछ ना कुछ हो जाए और हमारा आंसर कट जाए, ठीक है। तो हमने क्या करा है, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को रिप्लेस करके बी स्क्वायर माइनस टू ए सी कर दिया अपनी इक्वेशन में। तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी और प्लस बी स्क्वायर है आपके पास डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो इसे सोल्व करोगे, आपके पास टू कॉमन ले लिया, आपके पास अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए सी और नीचे भी बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, टू, ठीक है। ये बेसिक तरीके से अगर आप करना चाहो तो इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको वैल्यू पुटिंग मेथड ही अप्लाई करना है एग्जाम में। अब क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये आपका। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ध्यान से समझो, आप यहाँ पे कभी भी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी नहीं रख सकते। जैसे ही आपने ए इक्वल्स टू बी कर दिया तब भी आपकी क्या बन जाएगी, डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा। बी इक्वल्स टू सी कर दिया तब भी आपको कोई ना कोई डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, तो आपकी कंडीशन इन्फाइनाइट हो जाएगी। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है। आपको इक्वेशन कितनी दे रखी है, जीरो इक्वेशन है आपके पास। वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, तीन वेरिएबल हैं। जीरो इक्वेशन तीन वेरिएबल, इसका मतलब तीनों ही वेरिएबल की आप वैल्यू कुछ भी अपने आप से एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे सिंपल केस में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमने मान ली, क्या मान ली, ए की वैल्यू जीरो मान लेते हैं, ठीक है। ए कहीं ना कहीं से सारी जगह से खत्म हो जाएगा। बी की वैल्यू वन मान लेते हैं और सी की वैल्यू क्या मान लेते हैं, माइनस वन मान लेते हैं। सबसे आसानी तरीके से हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने माना ए को जीरो, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस सी इंटू सी, ठीक है। प्लस यहाँ पे बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस बी और यहाँ पे बचेगा आपके पास सी। प्लस यहाँ पे ए को जीरो करा तो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस बी इंटू यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस सी, क्लियर। अब बी को वन कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ वन कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे मिला वन डिवाइडेड बाय वन माइनस सी इंटू सी प्लस वन माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे माइनस वन इंटू सी और यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस वन इंटू, ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस सी, ठीक है। यही वैल्यू आपके पास बचेगी। अब सी की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस वन, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, वन डिवाइडेड बाय वन माइनस माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास टू इंटू माइनस वन प्लस वन माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हर बार टू रख देंगे जहाँ पे भी वन माइनस सी, आपको मिलेगा टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन प्लस सी स्क्वायर है यहाँ पे आपके पास, तो माइनस वन का होल स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा ये और ये बन जाएगा आपके पास टू, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई टू प्लस यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी फोर और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाय टू,
ठीक है, माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू को जोड़ा आपने, तो यहाँ पे माइनस वन बन जाएगा, फोर माइनस वन, और आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, थ्री। ऑप्शन नंबर टू आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक एक स्टेप आपको सोल्व करके बताया है जिससे कि आप वैल्यूज खुद से एज्यूम कर पाओ एक एक स्टेप में। लेकिन आपको क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू एक साथ इस इक्वेशन में पुट कर देनी है और डायरेक्टली अपना आंसर निकाल देना है। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया जिससे कि आप कहीं भी गलती ना करो। ठीक है, सारी चीज़ों को आसानी से समझ सको कैसे कैसे इक्वेशन हमारी रिड्यूस होती जा रही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। आपसे पूछा गया है ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, मैंने पढ़ाया था। आपका क्या होता है अगर आपको दे रखा हो यहाँ पे ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। ये मैंने आपको पार्ट थ्री में कराया था जब मैंने आपको अल्जेब्रिक आइडेंटिटी सारी पढ़ाई थी, तो ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा इंटू वन, और आपका आंसर आ जाएगा टू, जो कि है ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बाई चांस आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं रहती, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है, तो आप कैसे करोगे। आपने देखा यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी हैं। अब वैल्यू पुटिंग मेथड से देखते हैं कि वैल्यू पुटिंग मेथड से कैसे करेंगे अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता। यहाँ पे दे रखा है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ठीक है, दो इक्वेशन चार वेरिएबल, दो इक्वेशन है चार वेरिएबल है, तो इस केस में आप क्या करोगे, दो वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, यहाँ से बी स्क्वायर को खत्म कर देता हूँ और यहाँ से डी स्क्वायर को खत्म कर देता हूँ। मैंने बी को मान लिया जीरो और डी को भी मान लिया जीरो, तो आपके पास क्या आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे टू, और यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास वन आ गई। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, आपसे एक्सप्रेशन में वैल्यू पूछा क्या गया है, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, डी को जैसे ही आप यहाँ पे क्या रखोगे, जीरो रखोगे, तो ये वाली टर्म आपकी जीरो मिल गई। यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे बी को जीरो रखा, तो ये वाली टर्म भी जीरो मिल गई, तो ये तो पूरा आपको मिल गया जीरो। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर पूछा गया है। यहाँ पे आपको ए की, ए स्क्वायर की वैल्यू पता है और सी स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो ए सी को एज इट इज रहने देते हैं। और आपने देखा यहाँ पे बी और डी, बी और डी की वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये वाली टर्म जीरो बन जाएगी और आपके पास बचेगा ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए सी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आई है टू, सी स्क्वायर की वैल्यू आई है वन, टू इंटू वन आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टू। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड से कुछ ही सेकंड्स में आप कर सकते हो ये क्वेश्चन अगर आपको आइडेंटिटी भी याद नहीं रहती। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इक्वल्स टू वन, और आपसे वैल्यू पूछी गई है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है और आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, एक इक्वेशन, इक्वेशन आपके पास क्या है यहाँ पे एक, वेरिएबल कितने हैं आपके पास, वेरिएबल हैं आपके पास यहाँ पे तीन, तो मतलब दो वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे और उसे इक्वेशन में पुट करके अपना आंसर निकाल लोगे। क्लियर ये चीज़। ठीक है, जो आपसे एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें पुट करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। दो वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रखो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। अब आपने जैसे ये वाली इक्वेशन देखी, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, किसी एक वेरिएबल को यहाँ पे अगर मैं जीरो बना लूँ, किसी एक वेरिएबल को जीरो मान लेता हूँ, से मैंने ए को जीरो मान लिया तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने ए को जीरो माना यहाँ आपको मिलेगा जीरो। ठीक है, जीरो बाई बी प्लस सी जीरो हो जाएगा प्लस यहाँ पे ए को जीरो माना तो ये हो जाएगा बी बाय सी और यहाँ पे मिल जाएगा आपको सी बाय बी। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी वन। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं बी को वन मान लेता हूँ, मैंने यही कहा है आपसे पहले जीरो मानो फिर वन फिर माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे बी और सी को आप इनमें से किसी भी टर्म को जीरो नहीं मान सकते, जीरो मानोगे तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो मैंने बी को यहाँ पे मान लिया वन, तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल गया, वन बाय सी प्लस सी इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये आपके पास सी का एक्सप्रेशन आ गया, ए जब आपने मानी जीरो और बी की वैल्यू मानी वन। आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, आपसे वैल्यू पूछी गई है ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी बाई प्लस सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, इसमें भी यही वैल्यू रखोगे, ए की वैल्यू जीरो रखोगे और बी की वैल्यू वन रखोगे, तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा एक। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या रखा, ए को जीरो रखा तो आपको यहाँ पे इस वाली टर्म से मिल जाएगा जीरो, प्लस बी को वन रखा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको वन डिवाइडेड बाई सी प्लस जीरो, तो वन बाई सी आ गया और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन। ठीक है, यही बचेगा आपके पास। इसे हम मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं x के इक्वल और समझते हैं हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है।
क्लियर, ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास, और इस इक्वेशन को यूज करके आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। अगर मैं क्या करूं, मैं इस वाले एक्सप्रेशन में जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है इसमें अगर सी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 1 + c² = c। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। और दूसरे इक्वेशन में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 1 + c + c² = x। ठीक है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है। अगर आप इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको मिलेगा 1 - 1 c = c - x। ठीक है, x को उधर ले गया मैं, x इक्वल्स टू आपके पास आ गया c + 1 c - 1। x की वैल्यू आपके पास ये आ गई, और जो आपको यहाँ पे दे रखा है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये आई थी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 1 c + c = 1, इसमें 1 इधर ले गया मैं, तो आपको मिलेगा 1 c + c - 1 = 0, और आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 0 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। जब आप पहुंचे थे इस वाली फॉर्म पे 1 c + c = 1, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आई थी, अगर आप यहाँ पे क्या कर देते, सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, आपके पास सी की दो वैल्यू जाती, उन दो वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करके अपना आंसर निकालते, तब भी आपका आंसर आ जाता, लेकिन आपको वहाँ पे जाना ही नहीं है, वहाँ जाओगे कन्फ्यूज हो जाओगे, और जो आपके पास यहाँ पे सी की वैल्यू आती, हो सकता है वो जो वैल्यू आती वो इमेजिनरी वैल्यू आती या फिर रूट में वैल्यू आ जाती, तो आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो कोशिश करना है क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सोल्व करना है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखोगे, अभी हम क्या मान रहे थे, जो भी वैल्यूज मान रहे थे 0, 1, 2 मान रहे थे, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यूज मानेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है 2x = a + √4b³ - a³/3a, 2y = a - √4b³ - a³/3a, और आपसे वैल्यू पूछी गई है x³ + y³ की। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, तीन वेरिएबल आपके पास हैं और यहाँ पे 2 इक्वेशन है, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो। अब एक वेरिएबल की वैल्यू क्या मानोगे, आप वो वैल्यू मानोगे जिससे आपकी क्या है, इक्वेशन शॉर्ट हो जाए, जो भी आपको ये 2 इक्वेशन दे रखे हैं ये सिंप्लीफाई हो जाए, और आपको जल्द से जल्द बाकी के दोनों जो वो हैं वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज मिल जाए। क्लियर, तो आपने देखा यहाँ पे क्या है, 4b³ - a³ है, 4b³ - a³ यहाँ पे दे रखा है। अगर यहाँ पे मैं a³ को 4b³ मान लूँ, तो आप क्या देखोगे, ये रूट वाली टर्म आपकी पूरी कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे भी आपके पास रूट वाली टर्म बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने a³ = 4b³ मान लिया, ठीक है, एक एक वेरिएबल की वैल्यू मैं कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैंने a³ = 4b³ मान लिया, जैसे इसमें पुट करा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x = a आ जाएगा, और जैसे इस इक्वेशन में ये पुट करूंगा मैं, तो आपके पास क्या बचेगा, 2y = a। बस आपका क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व ही हो गया, आपके क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। आपका क्या हो गया यहाँ पे, x = y = आपके पास क्या आ गया, a/2। क्लियर, ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू आपके पास आ गई a/2, और आपसे वैल्यू पूछी गई है x³ + y³ की, तो x³ + y³ क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा a/2 का क्यूब + a/2 का क्यूब, तो आपके पास ये हो जाएगा a/8 + a/8, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, a³/8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा a³/4। आपने ऑप्शन में चेक करा, चार ऑप्शन देखिए, कोई भी ऑप्शन आपको a³/4 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जो आपका आंसर है इसमें आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। अब आप जैसे ही यहाँ तक पहुँचे, आपने देखा ऑप्शन में आपने क्या माना था, आपने माना था a³ क्या होता है, 4b³ के इक्वल होता है, तो आपने a³ की वैल्यू यहाँ पे रखी 4b³/4, 4 से 4 कट गया और आपका आंसर क्या आ गया, b³ है आपका ऑप्शन नंबर 4, और आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप वैल्यूज हमेशा 0, 1, 2 ना मान के क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू माना करो। अभी और भी इस तरह के केसेस देखेंगे जहाँ पे कुछ और वैल्यू मानेंगे और हमारा आंसर चुटकियों में निकलेगा, कुछ ही सेकंड्स में हम अपना आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में आपको दे रखा है a² + b² + 1a² + 1b² = 4, आपसे वैल्यू पूछी गई है a² + b² की। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, एक इक्वेशन दे रखी है, 2 वेरिएबल है। ठीक है, अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आपको ज्यादा वेरिएबल इक्वेशन पर जाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, आपने जैसे देखा यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे +1a² है, +1b² है। आपको मैंने पहले पढ़ा है a² + 1a² की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2। ठीक है, हम कहेंगे a² + b² या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा हमेशा 2 के। इसी तरह अगर मैं b² + 1b² की बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा 2 के। अगर आप इन दोनों टर्म को ऐड कर दोगे, तो आप कहोगे a² + 1a² +
बी स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, हमेशा बड़ा होगा, इक्वल होगा फोर के। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और आपने देखा ये चीज हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वैल्यू फोर दे रखी है। तो इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू है, जो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हो सकती है वही आपको यहाँ पे दे रखी है। और जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर किसके इक्वल दे रखो, टू के इक्वल दे रखो, तो आप ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मानते हो, स्क्वायर की वैल्यू आप वन मानते हो। ठीक है, इसी तरह बी स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर अगर आपका टू के इक्वल है तो आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। बस यही वैल्यू जो आपको मिल गई यही पुट करनी है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछा गया है, वन प्लस वन हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा टू, जो कि है ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे ए और बी की, आप देखोगे यहाँ पे अगर सब की वैल्यू वन रखोगे आप तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन आपको मिलेगा फोर। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, बी स्क्वायर की वैल्यू भी होगी वन होगी। तो इस तरह से आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको इतना सब जानने की जरूरत भी नहीं है वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ए बी सी इक्वल्स टू वन दे रखा है और आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे कितने ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या देखा है, ए बी सी एक इक्वेशन, एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, मतलब दो वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे सिंपल केस क्या रहेगा हमारे लिए, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे बी और सी को क्या मान ले, वन के इक्वल मान ले। जैसे ही मैं यहाँ पे बी और सी को वन के इक्वल रखूंगा आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू भी वन आ जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए और बी और सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, वन। और यहाँ पे जैसे आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे सिंपल केस है ये, आप यहाँ पे ए और बी की और सी की वैल्यू वन रखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, और यहाँ पे मिलेगा आपको वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन प्लस वन, और आपका आंसर आ जाएगा वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, और आपका आंसर इस केस में क्या आ जाएगा, वन। ऑप्शन नंबर टू आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करा है, यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू वन वन मानी है, और यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन में वेरिएबल्स भी आपको दे रखे हैं, तो आपको इनमें भी चेक करना पड़ेगा क्या वन 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 डाल के ए बी और सी की वैल्यू वन 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 अगर आप डालते हो तो क्या ये भी आपको आंसर वन तो नहीं दे रहे। जैसे इसमें आप वन 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 सबकी वैल्यू करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा थ्री, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा थ्री, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर टू ही आपका इस केस में करेक्ट होगा। बेसिक तरीके से चाहो तो बेसिक तरीके से सोल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अगर ए बी सी इक्वल टू वन दे रखा है, आप यहाँ पे ए या बी या सी में से किसी को भी क्या नहीं मान सकते, जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे इनमें से किसी को भी जीरो मानोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप हमेशा वो वेरिएबल रखोगे जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ऐसे कोई वेरिएबल नहीं आप एज्यूम कर सकते जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें, या आपको जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में उन्हें सेटिस्फाई ना करें। क्लियर ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स, और जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और आपसे पूछी गई है वैल्यू वन बाय एक्स प्लस वन प्लस वन बाय वाई प्लस वन प्लस वन बाय जेड प्लस वन। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस जेड है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स है, और जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे सिमेट्रिसिटी यूज हो रही है, द इक्वेशंस आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या है, अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी हो तो आप खुद से एज्यूम कर पाओ कि थर्ड इक्वेशन क्या होगी। आपने देखा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दे रखा वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दे रखा है जेड प्लस एक्स, तो आप जैसे ही जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई पे पहुंचोगे, अगर आप ये ना भी दे रखा हो तो अगर आप खुद से एज्यूम करने की कोशिश करते तो आप खुद ही सोचते कि तीसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, तीसरी इक्वेशन हो सकती है आपकी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। आपने ये सोचा और आपको यहाँ पे यही इक्वेशन दिखे, इसका मतलब जो हमारी जो कंडीशन दे रखी है सिमेट्रिक दे रखी है। और सिमेट्रिसिटी के केस में बेसिकली होता क्या है, आपका x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू जेड मान के आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो। तो इस इक्वेशन में अगर सभी को मान लेते हैं हम x, y को भी x मान लिया, जेड को भी x मान लिया, तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स मिलेगा। और सभी में इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में भी आप यही करोगे तो आपको हमेशा सिर्फ एक इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स मिलेगा। एक्स की यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिलेंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू जीरो, आपने x कॉमन लिया x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है, x या तो जीरो हो सकता है या फिर आपके पास हो सकता है x की वैल्यू टू। ठीक है, दो वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है। और जनरली आप देखो कि इस केस में आपके x इक्वल्स टू जीरो मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जैसे जीरो मानोगे ये जीरो ये जीरो ये जीरो सब जगह जीरो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस आप एग्जामिनर में जनरली कंसिडर मत किया करो, क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा तो इस तरह के केसेस वो आपसे पूछे गए नहीं कि जहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो जाए आपके पास जीरो 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 हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के केसेस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, एक्स की वैल्यू टू लेनी है। जैसे ही आप इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू टू रखोगे आपको मिलेगा यहाँ पे वन बाई थ्री
ठीक है, प्लस यहाँ पे वाई भी टू हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे जेड भी टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, और आपका आंसर ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा, आपका आंसर ऐड होने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 1 1। इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर 3। बाकी अगर यहाँ पे अगर आप 0 0 0 भी पुट करते हो एक्स वाई और जेड को, तो आप देखोगे यहाँ पे 1 + 1 + 1 आपका 3 बनेगा, वो आपके ऑप्शन में भी नहीं है, और आपको उस तरह की वैल्यूज हमेशा माननी भी नहीं है। जहाँ भी आपके पास दोनों साइड 0 0 0 बन रहा हो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना इस तरह के क्वेश्चन में। क्लियर है ये चीज़? बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही यहाँ पे x² = y + z दे रखा है, आपके माइंड में क्या आ रहा है, ये और ये, ठीक है। इन सभी को अगर मैं 2 2 2 कर दूँ तो आपकी इक्वेशन सारी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो आप जैसे ही इस तरह की इक्वेशन देखो, आपके दिमाग में आना चाहिए x = y = z = अगर आपने 2 रख दिया तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगी और आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ये तीन चीज़ें आपने एक साथ देख ली, इसका मतलब x = y = z = 2 कर देना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, x² ((by)BY + CZ) = y² (((z)² ((ax+by)AX + BY = 1, और आपसे वैल्यू पूछी गई है किसकी, a/(a+x)+b/(b+y)+c/(c+z)। आपने यहाँ पे देखा आपको कितनी इक्वेशन दे रखी है, आपको तीन इक्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। पहली इक्वेशन x² ((by)BY+CZ) = 1, दूसरी इक्वेशन आपकी y² ((CZ+AZ)) = 1, और तीसरी इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, z² (by)AX+BY = 1, ठीक है। तीन इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, और आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, वैल्यू आपसे इस एक्सप्रेशन की पूछी गई है, और टोटल वेरिएबल्स आप काउंट करोगे। तीन इक्वेशन है और वेरिएबल्स आपके पास कितने हैं, वेरिएबल्स आपके पास है यहाँ पे 6 वेरिएबल्स दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी तीन वेरिएबल्स को कुछ भी मान के अपना आंसर सॉल्व कर सकते हो, आपकी वैल्यू सही आ जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे भी उस केस में नहीं जाना, आप यहाँ पे भी सिमेट्रिसिटी चेक कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² और z² है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो हो सकता है यहाँ पे सिमेट्रिसिटी लग रही हो, x = y = z हो जाए आपके पास, क्योंकि अगर आपको ये दो इक्वेशन दे रखी होती और आपसे एज्यूम करने को आ जाता तीसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, आप क्या निकालते, आप यही वाली इक्वेशन निकालते, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं x = y = z हो जाए और b = a = c हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे ये वाली इक्वेशन भी क्या जा रही हैं, ये वाली इक्वेशन भी सिमेट्रिसिटी को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे BY + CZ है, यहाँ पे CZ + AZ है, और यहाँ पे AX + BY है, तो सिमेट्रिसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, b = a = c कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि आपको वैल्यू क्या क्या रखनी है। यहाँ पे आपने क्या करा, सारी जगह पहली इक्वेशन ले लेते हैं, सारे वेरिएबल्स को एक्स वाई और जेड को एक्स मान लेते हैं, और यहाँ पे ए बी और सी को ए मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास पहली इक्वेशन से क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा x² / ये हो जाएगा आपके पास ax + ax = 1 दे रखा है, आपको मिलेगा x² / x ((2a) = 1 दे रखा है, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे आपको कभी भी एक्स को जीरो के इक्वल इस तरह से नहीं मानना, वरना आप इसे सोल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, x² = x ((2a) एक्स कॉमन लिया, आपको मिला x - 2a = 0, ठीक है। यहाँ पे या तो आपकी x की वैल्यू 2a के बराबर हो सकती है, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, x = आपके पास हो सकता है 0, ठीक है। x को अगर आप 0 रखोगे तो इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे अगर आपने x 0 रख दिया इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में जैसे ही आपने यहाँ पे x 0 रखा तो ये 1 के इक्वल आ ही नहीं सकता, तो x 0 वाली कंडीशन आपके यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, x = 2a आ जाएगा, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, x = 2a आ गया। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो 1a की वैल्यू क्या रखो, a की वैल्यू 1 रख लो, तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा a = b = c, कितना हो जाएगा आपके पास, a = b = c आपके पास हो जाएगा 1, और x = y = z कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। ये पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा पहली चीज, वरना आप ये भी पुट मत करो, आप डायरेक्टली x = 2a रख दो, तो एक्स वाई और जेड की जगह क्या लिख दो, 2a, और ए बी और सी की जगह लिख दो ए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया a/(a+x)/b/(b+y)/c/(c+z), तो हमने क्या करा, सारी जगह क्या करा, यहाँ पे a/(a+2a) लिख सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 2a आई थी हमारे पास, हम वैल्यू अभी पुट नहीं कर रहे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, +b/(b+y) है, तो b/(b+2a) लिख सकता हूँ b को, तो ये हो जाएगा a+2a, और यहाँ पे आपको मिलेगा c/(c+z) है, तो a + 2a लिख सकता हूँ। तो आप देखोगे तीनों साइड चीज़ें क्या हो गई, सिमिलर हो गई, और आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 3a/3
ठीक है, तीनों को ऐड करा डिवाइडेड बाई 3a, और आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी क्या है, सिमिलैरिटी हो रही है, ठीक है, a प्लस ए बाई एक्स है, फिर b प्लस बी प्लस वाई है, प्लस सी प्लस सी प्लस जेड है। तो यहाँ पे भी आप सिमिलैरिटी लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन और ज़्यादा सोल्व हो जाता। आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते थे, 3a डिवाइडेड बाई a प्लस 2a, डायरेक्टली आप यहाँ पे चले जाते क्योंकि x की a की वैल्यू a, a की वैल्यू a, x की वैल्यू 2a, ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ बनती है और यहाँ पे भी सेम चीज़ बनती है। डायरेक्टली आप लिखते 3a डिवाइडेड बाई a प्लस 2a और आपका आंसर आ जाता 3a बाई 3a और आपका आंसर आ जाता इस क्वेश्चन का 1। क्लियर ये चीज़, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते थे। ये मैंने आपको बताया वो तरीका वैल्यू पुटिंग मेथड से, वरना आप क्वेश्चन को जैसे ही देखते हो आपके दिमाग में यहाँ पे आ सकता है कि अगर ऊपर आपको यहाँ पे 2 रख दो, आप यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपने 2 रख दी तो यहाँ पे 4 बनेगा। अब आपने को नीचे भी 4 बनाना है, y और z सिमेट्रिक जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 रखा तो आपको 2 प्लस 2 4 मिल जाएगा, जब b और c किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे। तो तब भी आप सोच सकते हो कि a इक्वल टू b इक्वल टू c अगर 1 रख दोगे और x इक्वल टू y इक्वल टू z कितना रख दोगे, 2 रख दोगे, तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको दे रखा है x प्लस 1 बाय y इक्वल टू 1, y प्लस 1 बाय z इक्वल टू 1, आपसे वैल्यू पूछी गई है z प्लस 1 बाय x और एक्स वाई जेड की, ठीक है। आपने यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में देखा यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल और तीन वेरिएबल, तीन वेरिएबल हैं और आपके पास इक्वेशन कितनी है, दो इक्वेशन दे रखी है, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो। तो सबसे पहले आपने ये वाली इक्वेशन देखी, आपने सोचा कि सबसे पहले क्या करा जाए, एक्स को रिमूव कर दिया जाए, एक्स को रिमूव कर देते हैं, वाई और जेड की वैल्यू निकाल देते हैं, पुट कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यही हमारे दिमाग में आएगा सबसे पहले। तो अब एक्स की क्या वैल्यू रखते हो, जैसे ही आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा एक्स को क्या कर देते हैं, जीरो रख देते हैं, एक्स को जीरो कर दिया तो वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी 1। लेकिन अगर आप एक्स को जीरो कर दोगे और जैसे ही आपको जो फाइंड करना है उसके पर आप नजर डालोगे, आप देखोगे आपसे पूछा गया जेड प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू, एक्स आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 बाय 0 के फॉर्म में आ जाएगी और ये इनफाइनाइट बन जाएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कभी भी आपको वो वैल्यू एज्यूम नहीं करनी है जो आपको डिनोमिनेटर में जीरो ले जाए। तो इसका मतलब आप यहाँ पे एक्स को क्या नहीं मान सकते, आप यहाँ पे एक्स को जीरो नहीं ले सकते। तो पहला केस तो आपका एक्स को जीरो हमने माना था वो गलत हो गया। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा एक्स को 1 मान लेता हूँ, एक्स को 1 मान लूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक्स को 1 माना आपने तो वाई को क्या मिल जाएगा, वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और 1 बाय वाई आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय वाई आपके पास आ जाएगा जीरो। अब 1 बाय वाई जीरो कब आएगा, जब आपके पास वाई हो जाएगा इन्फिनिटी, या फिर मैं कहूँ 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अगर वाई को उधर ले गए तो 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, आपका ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हो गया, आप एक्स को 1 भी नहीं मान सकते इस केस में, तो ये वाली कंडीशन भी आपकी गलत हो गई। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप क्या करोगे, आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, x को यहाँ पे माइनस 1 मानोगे। जैसे ही आप x को माइनस 1 मानोगे आप देखोगे यहाँ पे आपके पास हो जाएगा इस इक्वेशन में 1 बाय वाई इक्वल्स टू 1 प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी कंडीशन आपकी ब्रेक नहीं हो रही, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 1 रखोगे तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 1 रखोगे तो वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आपने x की वैल्यू माइनस 1 मानी, y 1 बाय वाई की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 बाय 2 पुट करी, आपके पास है वाई प्लस 1 बाय जेड इक्वल्स टू 1, वाई की वैल्यू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय जेड इक्वल्स टू 1 हो गया और आपको 1 बाय जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे, ये मिल जाएगी आपको 1 बाय 2, जेड की वैल्यू आपके पास इस केस में क्या हो जाएगी 2, जेड की वैल्यू 2 आ गई आपके पास, वाई की वैल्यू 1 बाय 2 आ गई, एक्स की वैल्यू माइनस 1 आ गई, तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहले हमारी जो हमसे पूछा गया पहला एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जेड की वैल्यू रखी 2 प्लस 1 बाय एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस 1, तो 2 माइनस 1 आपका आंसर इस केस में हो जाएगा 1, जेड प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1, आपसे पूछी गई ये वैल्यू x, y और z की, तो x की वैल्यू आपके पास आई थी माइनस 1, y की वैल्यू आई थी आपके पास 1 बाय 2 और z की वैल्यू आपके पास आई थी 2, कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 1, ठीक है। तो z प्लस 1 बाय x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1 और आपके पास x, y और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास वैल्यू माइनस 1। क्लियर है ये चीज़, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और आपसे वैल्यू पूछिए 1 बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू बतानी है। सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आएगी, तीन वेरिएबल है यहाँ पे और यहाँ पे भी तीन वेरिएबल है, एक वेरिएबल को खत्म कर दिया जाए, सी को 0 मान लिया जाए। सी को अगर आप 0 मान लोगे तो आपके पास यहाँ पे ए प्लस बी क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा और ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस बी, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा। लेकिन जैसे ही आपने देखा यहाँ पे सी स्क्वायर को अगर आपने 0 कर दिया, सी स्क्वायर आप जैसे ही यहाँ पे सब जगह 0 करोगे तो इस केस में आप देखोगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी हो गया, मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा और आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो मतलब हमने कुछ वैल्यूज गलत मानी है, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कभी भी
ये केस नहीं बनाना तो हम सी स्क्वायर को यहाँ पे सी को जीरो नहीं मान सकते। इसी तरह यहाँ पे अगर आप ए को जीरो मानोगे तब भी यही कंडीशन हो जाएगी, और अगर आप बी को जीरो मानोगे तब भी ये कंडीशन हो जाएगी, तो आप इनमें से किसी को भी जीरो नहीं मान सकते। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे, अब कुछ और करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे सी को वन मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। सी को वन माना तो आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल को कुछ मान सकते हैं, तो बी को हम मान लेते हैं यहाँ पे वन, बी को वन मान लेते हैं। सी को वन माना और बी को भी वन मान लिया, तो हमारे पास ए प्लस वन इक्वल्स टू माइनस वन आ गया, और ए की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस टू। ठीक है, ये वैल्यू याद रख लो, जब भी आपको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो मिले, आप दो वेरिएबल को ए और सी या किसी भी दो वेरिएबल को वन मान लो और तीसरे वेरिएबल को आप माइनस टू मान लो, और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लो। यहाँ पे हमने ए को माइनस टू माना है और बी और सी को वन माना है। इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, वन बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे वन डिवाइडेड बाई वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, और आपके पास यहाँ पे हो जाएगा वन बाय वन स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे करा, आपके पास यहाँ पे नीचे क्या मिलेगा, टू माइनस फोर बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा आपके पास फोर प्लस वन माइनस वन, और यहाँ पे आपके पास बचेगा वन डिवाइडेड बाई वन स्क्वायर से वन स्क्वायर काट ही देते हैं तो वन बाई फोर बचेगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे हो गया माइनस वन बाई टू, यहाँ पे आपको मिलेगा वन बाई फोर, और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा वन बाई फोर। क्लियर, यहाँ पे माइनस वन से प्लस वन कट गया, तो वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर ये क्या दे देगा आपको, ये हो जाएगा आपका वन बाई टू के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, दोनों को ऐड करोगे आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो जीरो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल्स टू जीरो, और आपसे पूछा गया पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर माइनस आर पी प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू। आप इस इक्वेशन में देखोगे तीन वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है, मतलब दो वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप किसी भी वेरिएबल को जीरो करने की कोशिश करोगे, जैसे आपने पी को जीरो माना, जैसे ही आप यहाँ पे पी को जीरो मानोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, क्यू आर इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब अगर आप इनमें से किसी इक्वेशन को कुछ भी मानो, अगर आपने आर को माना वन, तो क्यू की वैल्यू जब भी आपके पास क्या रहेगी, जीरो। तो इसका मतलब पी की वैल्यू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो, जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो आपको जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी। इसका मतलब आप पी को जीरो यहाँ पे नहीं मान सकते, तो आपको पी की कोई और वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। तो पी की कोई और वैल्यू एज्यूम करते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, अगर p को क्या मान लेते हैं, फिर 1 मानते हैं। मैंने आपको ये बताया इसी प्रोसीजर से चलना है, p को 1 माना आपने तो यहां पे आपको मिलेगा q plus qr plus r equals to 0। ठीक है, अब भी हमारे पास दो वेरिएबल बचे हैं और एक इक्वेशन है, तो एक वेरिएबल को कुछ और मान सकते हैं। अब हमने क्या करा, आर को क्या मान लिया, आर को भी 1 मान लिया, तो आपके पास बचेगा q plus q plus 1 equals to 0, 2 q की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -1 और q की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1/2। ठीक है, p की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई और q की वैल्यू आ गई। इन तीनों वैल्यूज को अगर आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करोगे आपको वैल्यूज मिलेंगी और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू जीरो रखना हो, तो आप क्या कर सकते हो, p को 1 मान सकते हो, r को 1 मान सकते हो और q को -1/2 मान के अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अगर इन तीनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आप अगर p को 2 मान लो, r को 2 मान लो और q को -1 मान लो, तब भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा। आप ये वैल्यूज भी रख सकते हो, अगर आप इसमें कुछ और मल्टीप्लाई करना चाहते हो कुछ और मल्टीप्लाई करोगे, जब भी कुछ फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको इक्वेशन दे रखी है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू जीरो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको इस पर दिमाग लगाना है, सोचना है कि क्यों हम यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमने वैल्यूज मानी है, आपका आंसर सेम रहने वाला है। ये आप सोच सकते हो, ये सोच लेना कि यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब हम समझते हैं बेसिक तरीके से कैसे करना है। अब ये वैल्यू रखोगे तो आप इसका आंसर निकाल ही लोगे। ठीक है, बेसिक तरीके से एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, बेसिक तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे। PQ प्लस QR प्लस RP इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, जीरो। वैल्यू पूछी गई है पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की, और आपसे वैल्यू पूछी गई है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर माइनस RP की, और आपसे वैल्यू पूछी गई है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस PQ की। ठीक है, इन सबको ऐड करके आपको वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे क्यू आर दे रखा है। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू निकालोगे आप, क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस पी क्यू प्लस आर पी। ठीक है, ये क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आपको आर पी की वैल्यू चाहिए। इसी इक्वेशन से आर पी की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आर पी की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी क्यू
प्लस क्यू आर, और आर पी की वैल्यू निकाल ली, अब पी क्यू की वैल्यू निकालोगे इस इक्वेशन से तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस क्यू आर प्लस आर पी, ठीक है, यही वैल्यू हो जाएगी आपके पास। इक्वेशन में पुट कर देते हैं, आपके पास हो जाएगा पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू आर है, ठीक है, क्यू आर की वैल्यू पुट करी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस आर पी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ठीक है। आप देखोगे सभी टर्म्स में से इस वाले में अगर आप पी कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में, आपके पास बचेगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पे अगर आप क्यू कॉमन ले लोगे नीचे तो क्यू पी प्लस क्यू प्लस आर बचेगा आपके पास, और यहाँ पे भी अगर आप आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कॉमन ले लोगे पी प्लस क्यू प्लस आर मिलेगा आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पी से पी कैंसिल कर दोगे तो आपको मिलेगा पी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस आर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। तीनों को ऐड कर दिया, पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर मिला, और आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा याद रखना, अगर आपको पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 0 दे रखा हो तो आपके पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर माइनस आर पी प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस पी क्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके पास हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ये चीज़ आपको दिमाग में सेव करके रखनी है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, कभी भी इस चीज़ को भूलना मत, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है और इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। देखते हैं, तो डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसे करोगे, इनडायरेक्टली देखना कैसे पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, इफ ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी की पावर वाई इक्वल्स टू सी की पावर जेड एंड आपको दे रखा है ए बी सी इक्वल्स टू 1, आपको वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की। ये वाला एक्सप्रेशन देखा आपने, याद आया कुछ, जो भी हमने क्वेश्चन करा था वहां पे पी क्यू आर आपको दे रखा था, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्स वाई जेड दे रखा है पी क्यू आर की जगह। जैसे ही आपने यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन पर आपकी नजर गई तो आपके दिमाग में आना चाहिए इसका आंसर कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे जो ऊपर वैल्यूज दे रखे हैं वो थोड़ी डिफरेंट दे रखे हैं, यहाँ पे आपको दे रखा था पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे दे रखा है ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड एंड ए बी सी इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू अलग दे रखी है तो आपको लगेगा यहाँ पे हो सकता है इसका आंसर अलग आ जाए, लेकिन आप देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर सेम ही बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 ही आएगा। 1 क्यों आएगा अभी देखेंगे, जैसे ही हम ऊपर से थोड़ा सा सोल्व करना स्टार्ट करेंगे आप देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड दे रखा है, इसे मैं मान लेता हूँ ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल्स टू सी की पावर जेड, इसे के इक्वल मान लूँ कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, तो आप कहोगे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की पावर 1 बाई एक्स, बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास के की पावर 1 बाई वाई, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास के की पावर 1 बाई जेड। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ए बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है 1, मल्टीप्लाई करा ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास के की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, यही हो जाएगी, और ये इक्वल हो गया आपके 1 के, ठीक है। k की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, ये आपको 1 के इक्वल दे रखा है। ये कब होता है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू से, हमने कहा आपको एक नंबर दे रखा है p, p की पावर कोई भी अगर आप 0 करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो इसका मतलब k की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड दे रखा है आपको, और ये 1 के इक्वल दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे आप तो आपको मिलेगा एक्स वाई जेड, और ऊपर मिलेगा आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी आपको, और ये 0 के इक्वल, इसका मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, ये हो गया 0 के इक्वल। अब आप दोबारा से पिछले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, आपको दे रखा था पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल्स टू 0, और आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी, इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। अब इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ हो गई, यहाँ पे बस पी क्यू आर को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दिया गया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आपको 0 दे रखी है और आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा आपके पास 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ चीज़ें आप याद रखोगे तो एग्जाम में थोड़ा हो सकता है टाइम बचा लो, आपको ज़्यादा कुछ करना ही ना पड़े। आपने ये क्वेश्चन देखा और आपसे ये चीज़ पूछी गई है तो आपके दिमाग में हो सकता है स्ट्राइक कर दे कि इसका आंसर 1 ही हो,
ठीक है, आपको मैं ये कहूंगा कि हमेशा सोल्व करके जरूर देखना, ये वाला पार्ट जरूर करना, जब तक यहाँ तक ना पूछो अपना आंसर वन टिक मत करना। लेकिन बाई चांस आपके पास एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है और आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो आप इस तरह से डायरेक्टली अपना आंसर वन लगा के इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू एस और आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा एक इक्वेशन है और यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है और यहाँ पे चार वेरिएबल हैं। एक इक्वेशन चार वेरिएबल मतलब तीन वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे आसान मुझे जो यहाँ पे लगता है वो ये लगता है कि मैं एक वेरिएबल को तो क्या मान लूँ, जीरो। सी को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, जीरो। ठीक है, सी को जीरो करने से हमारा डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ए और बी, ए प्लस बी आपके पास बचा, ये हो गया 2s के बराबर। अगर मैं ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एस कर दूं, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ए और बी को मैं एस के इक्वल मान लेता हूं और सी को जीरो कर देता हूं, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आप देखोगे मैंने ए और बी को एस के इक्वल क्यों माना है, आप देखोगे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, एस माइनस एस हो जाएगी। तो यहाँ पे मिला आपको एस माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा एस माइनस एस क्योंकि बी भी एस है, तो ये हो जाएगा एस माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस ये है एस माइनस सी। ठीक है, सी को जीरो माना है तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे एस स्क्वायर बचेगा आपके पास, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एस स्क्वायर, सी स्क्वायर को क्या माना है, जीरो। तो ये हो गया जीरो। अब आप देखोगे ये वाली टर्म तो बन गई आपके पास जीरो, ये वाली टर्म भी बन गई आपके पास जीरो और ये वाली बनेगी एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है तो 2s स्क्वायर यहाँ बना तो आपके पास कट के बचेगा 1। इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आपको हमेशा 0, 1 ये सब वैल्यूज नहीं माननी है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से हमेशा वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25। ए बी सी एक्स वाई जेड आपको पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं और आपको वैल्यू बतानी है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा 6 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड 6 वेरिएबल हो गए आपके पास और दो इक्वेशन है, 6 वेरिएबल दो इक्वेशन, इसका मतलब 4 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, जीरो करने की कोशिश करते हैं वेरिएबल्स को। तो बी को मैंने जीरो करा, सी को जीरो करा, y को जीरो करा और z को जीरो करा, आपको मिला यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपको मिल गया 25। ठीक है, आपको यहाँ पे दे रखा है ए बी सी एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, इसका मतलब a की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 4 और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। क्लियर, आपसे वैल्यू पूछी गई ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। तो आप यहाँ पे b को जीरो करा, c को जीरो, y को जीरो, z को जीरो, आपको मिलेगा a बाई एक्स। ए बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे यहाँ रखा 4 और यहाँ पे रखा 5, अब 4/5 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है जिस पे जो ये एक्सप्रेशन है क्या है, ये एक पॉजिटिव स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, अब कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आएगा, ए और बी की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो बहुत सारी वैल्यूज आपके दिमाग में आ सकती हैं, आप क्या करोगे, पहले 5 ए की वैल्यू 5 रखी, 6 बी की वैल्यू 6 रखी, इस ऑप्शन में सोल्व करोगे और चेक करोगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है नहीं बन रहा, फिर ए की वैल्यू 6 बी की वैल्यू 7 और ये सारी वैल्यू चेक करके आप रख के देखोगे और अपना चेक करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है नहीं बन रहा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे क्या कहूँगा, आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, मतलब दो वेरिएबल्स की आपको वैल्यू बतानी है, दो वेरिएबल्स की आपको वैल्यू बतानी है और यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं आपकी इक्वेशन में, जो आपके पास यहाँ पे एक्स है ना वो एक्स्ट्रा है, एक्स को मैं कुछ भी मान लूँ। ठीक है, जैसे ही मैं एक्स को कुछ भी मानूंगा हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर आपने जीरो मानी यहाँ पे, आप देखोगे अगर एक्स को जीरो रख देते हो आप तो ये सारा टर्म कट जाएगा आपके पास और आपके पास बचेगा 9। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ए और बी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ए और बी की तो वैल्यू हमें बतानी है कि ए और बी की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है इन सभी केसेस में से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। एक्स को 1 मानेंगे तो हमारी कंडीशन बहुत छोटी हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एक्स की पावर 4 और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 प्लस ए प्लस बी प्लस 9, ये बचेगा हमारे पास। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देना चाहिए क्योंकि एक्स के हर एक वैल्यू पे ए और बी की जो आप वैल्यू रखोगे यहाँ से वो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा, तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस 12 और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए। अब ऑप्शन से आप देखोगे ए और बी की क्या वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 रखी और बी की वैल्यू 6 रखी, तो आपके पास 5 प्लस 6 11 प्लस 12 23, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने रखा ए की वैल्यू 6 बी की वैल्यू 7, 6 प्लस 7 13 प्लस 12 आपको यहाँ पे मिल जाएगा,
थर्टीन प्लस ट्वेल्व 25, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने पूछा आप यहाँ पे टिक कर दोगे। बाकी अगर आप और ऑप्शंस चेक करना चाहो और ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो। सारे ऑप्शंस चेक करने के बाद आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिले। ये वाला ऑप्शन भी आपका गलती होगा और ये वाला भी गलत होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर टू आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जेड इक्वल टू वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई जेड इक्वल टू एक्स बाई वाई। आपसे एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको खुद से कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। ऑप्शन की हेल्प से सबसे जल्दी इस तरह के क्वेश्चन को आप कर पाओगे। यहाँ पे आपने देखा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 1:2:3। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे इस इक्वेशन में, वाई की 2 रखोगे और जेड की 3 रखोगे और चेक करोगे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, दोनों इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, पहले वाला केस लिया, जब आपने लिया एक्स लिया 1, वाई लिया आपने 2 और जेड लिया आपने 3, पुट कर दिया इस इक्वेशन में, आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा वाई की वैल्यू 2 रखी, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 बाई और एक्स की वैल्यू है 1 और जेड की वैल्यू 3, तो 1-3 इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स बाई जेड है, तो वाई की वैल्यू 2 प्लस 1 बाई जेड की वैल्यू यहाँ पे 3। आप जैसे यहाँ पे पूछोगे, यहाँ से आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे 2-2 बना आपके पास, 2-2 आया और यहाँ पे 3-3 आया। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है ही नहीं, ये दोनों इक्वल है ही नहीं, ये -1 बनेगा और ये आपका +1 बनेगा, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हुई, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। आगे बढ़े, 3-2-1 रखा, एक्स रखा आपने 3, वाई रखा आपने 2 और जेड रखा आपने 1। पुट करना स्टार्ट करते हैं, पहले में y डिवाइडेड बाई x माइनस जेड क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू यहाँ पे रखी 3 और z की वैल्यू रखी 1, तो 3-1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2। क्लियर, इसी तरह आप यहाँ पे देखोगे, इसे इक्वल रखोगे, आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे x डिवाइडेड बाई y दे रखा है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, यहाँ से तो आपको 1 मिल रहा है और x और y की वैल्यू अलग है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख देते हो, y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 3/2 आएगा, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। फिर आप इस वाले ऑप्शन पाए 4:2:3, ठीक है, ये वैल्यू रखोगे आप, एक्स 4 हो गया, वाई हो गया आपके पास 2 और जेड हो गया आपके पास 3, रख देते हैं वैल्यू, पुट कर देते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहली इक्वेशन है आपके पास वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जेड, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2/x की वैल्यू 4-3। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई आपके पास, इसे सोल्व करेंगे 2/1 आ गया, आपका आंसर आ गया 2। इसी तरह आप दूसरी इक्वेशन पर, यहाँ पे y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई जेड, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 4, 2+4/3 और आपके पास ये भी आ गया 2, 6/3 2 हो जाएगा, तो ये और ये मैच कर रहा है, तो थर्ड कंडीशन से भी चेक करना पड़ेगा, ये हो जाएगा एक्स बाई वाई, एक्स की वैल्यू रखी 4, वाई की वैल्यू रखी 2, 4/2 और यहाँ पे भी आ गया आपके पास 2, तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है। अगर x रेशियो y रेशियो z 4:2:3 है, तो आपकी ये वाली पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, आपको चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, a बाई बी इक्वल टू 1/3, b बाई सी इक्वल टू 2, c बाई डी इक्वल टू 1/2, d बाई ई इक्वल टू 3, e बाई एफ इक्वल टू 4। आपसे पूछा गया ए बी सी डिवाइडेड बाई डी ई एफ की वैल्यू बता दो। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन और पांच इक्वेशन, पांच इक्वेशन है आपके पास, और वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स आपके पास हो जाएंगे यहाँ पे ए से लेके एफ तक जा रहे हैं, मतलब छः वेरिएबल, पांच इक्वेशन, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो। वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, मानना वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से वेरिएबल की वैल्यू मानो और आगे बढ़ते चलो, क्योंकि यहाँ पे ए बाई बी है, फिर बी बाई सी है, फिर सी बाई डी है, फिर डी बाई ई है, फिर ई बाई एफ है। तो आपने यहाँ पे क्या रखा, पहली इक्वेशन में आप अगर ए की वैल्यू क्या मान लो, ए की वैल्यू 1 मान लो, तो बाकी सबकी वैल्यू आप निकालते चलोगे। ए की वैल्यू 1 मानी, तो आपके पास आया 1/b=1/3, तो यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 3। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2, सी की वैल्यू 3/2 आ गई आपके पास। अभी इस इक्वेशन पे आए, यहाँ पे सी की वैल्यू 3/2 पुट करोगे, तो आपके पास आएगा 3/2d=1/2, ठीक है, 2 से 2 कटा, डी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई 3, सी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे, तो आपके पास आ गया d/e=3, ठीक है, 3/1 लिख सकता हूँ। डी की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 है, डी की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दी 3,
यहाँ पे हम पुट कर देते हैं डी की वैल्यू 3, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास ई की वैल्यू क्या बन गई, ई की वैल्यू बन गई 1। अब यहाँ पे पुट करेंगे ई बाई एफ इक्वस टू, आपको दे रखा है ई बाई एफ इक्वस टू 1/4, ई की वैल्यू क्या है 1, पुट करिए 1/f इक्वस टू 1/4 और एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपके पास 4। आपके पास सभी की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपके पास 3/2, डी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3, ई की वैल्यू आपके पास हो जाएगी यहाँ पे 1 और एफ की वैल्यू हो जाएगी 4। ए बी सी इन डिवाइडेड बाई डी ई एफ निकालना है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करा, ए बी सी डिवाइडेड बाई डी ई एफ निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3/2 और ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 1 इंटू 4। ठीक है, 2 से 2 कटा, यहाँ पे आपका 3 से 3 कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका आंसर आ जाएगा 1/4। इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सोल्व करना है, एक वैल्यू मानी, बाकी सारी सिक्वेंस में निकालते चले वैल्यू और अपना आंसर निकाल लिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली आते हैं, डायरेक्टली भी आते हैं, इनडायरेक्टली भी आते हैं। आपको क्या दे रखा है, इफ़ ए बी इक्वल्स टू 1, आपको वैल्यू बतानी है 1/a+1 प्लस 1/b+1। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, ठीक है, दो वेरिएबल एक इक्वेशन, तो एक की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, तो ए की वैल्यू हमने 1 मान ली, तो इस इक्वेशन में ए बी की वैल्यू 1 दे रखे है, ए की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू भी आपके पास आ गई 1। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे आपका आंसर मिल जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1+1 और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1+1, ये हो जाएगा आपके पास 1/2+1/2 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको दे रखी है, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1। अब ये तो हमने करा वैल्यू पुटिंग मेथड से, बेसिक से भी समझ लो जिससे कि दिमाग में आपके बैठ जाए। यहाँ पे क्या था आपके पास, ए बी इक्वल्स टू 1 था, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1/b हो गया, बेसिक से कर रहे हैं आपको वैल्यू बतानी है 1/a+1 प्लस 1/b+1 की। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, ये मान लेते हैं, एक अलग पेन यूज करेंगे अब यहाँ पे हम, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1/b आएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू 1/b कर दूंगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1/1/b+1 प्लस 1/b+1, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिया, ऊपर जाया, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1/1+b/b+1/b+1। ठीक है, इस फर्दर सोल्व करोगे ये वाला भी यहाँ चला जाएगा, तो ये जगह बी डिवाइडेड बाई 1+b+1/b+1, बी प्लस वन कॉमन लिया, ऊपर मिला b+1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास b+1 और आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, बेसिक से करोगे तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है 1। अब इस चीज़ को आगे कैसे यूज करोगे ये समझो, लेकिन सबसे पहले आप क्या करो, इस चीज़ को याद कर लो, अगर ए बी 1 है तो 1/a+1 प्लस 1/b+1 भी क्या हो जाएगा 1। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इसी कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पे क्या है, इफ़ ए बी इक्वल्स टू 1, 1/a² + 1 प्लस 1/b² + 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप यहाँ पे पुट करके देख लो, बेसिक तरीके से दोबारा बताता हूँ, ए की वैल्यू होगी आपके पास 1/b, पुट करा इस इक्वेशन में आपको मिला 1/1/b² + 1 + 1/b² + 1, सोल्व करोगे आपको मिलेगा यहाँ पे b² / b² + 1 + 1/b² + 1, ऊपर b² + 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी b² + 1 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर, ठीक है, इस केस में भी आपके पास क्या हो रहा है, आंसर आपका 1 बन रहा है। आपने देखा पिछले केस में क्या था, यहाँ पे ए बी 1 दे रखा था और यहाँ पे ए की पावर 1 थी और यहाँ पे बी की पावर 1 थी और 1/a+1 प्लस 1/b+1 क्या मिल रहा था 1। इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ए की पावर 2 हो गई, तब भी आपको क्या मिल रहा है, इसका आंसर मिल रहा है 1। इसी तरह यहाँ पे ए की पावर 3 हो जाए, 4 हो जाए, n हो जाए, ठीक है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू अगर 1 है तो 1/a+1 प्लस 1/b+1 क्या हो जाएगा 1, 1/a² + 1 प्लस 1/b² + 1 क्या हो जाएगा 1, इसी तरह 1/a³ + 1 प्लस 1/b³ + 1 क्या हो जाएगा 1, 1/a की पावर n प्लस 1/b की पावर n+1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए। ए बी की वैल्यू 1 दे दी तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी 1। अब इस पे देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू √3 + √2 की पावर -7, वाई इक्वल्स टू √3 - √2 की पावर -7, आपसे पूछ ली गई है वैल्यू, x+1 की पावर -1 प्लस y+1 की पावर -1। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, माइनस वन आपको देखा है, हो सकता है यहाँ पे आपको दिमाग में स्ट्राइक ना करे, इसे कन्वर्ट करा, इसे लिख सकते हो आप 1/x+1 और इसे लिख सकते हो 1/y+1, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने जैसे देखा आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो आपके माइंड में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपके माइंड में आएगा, हो सकता है ए बी की वैल्यू जो आपको दे रखी हो
मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है, हो सकता है एक्स वाई की वैल्यू जो दे रखी हो आपको वन दे रखी हो, अगर एक्स वाई की वैल्यू वन हो गई हमारे पास तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे माइंड में आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू बन क्या रही है। एक्स की वैल्यू रूट थ्री प्लस रूट टू है और यहाँ पे वाई की वैल्यू रूट थ्री माइनस रूट टू है और इन दोनों की पावर क्या रखी है, माइनस सेवन। एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी रूट थ्री प्लस रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस रूट टू की पावर माइनस सेवन, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, सर्च एंड डाइस में बताया था किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, पावर सेम रह जाती है। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास रूट थ्री का होल स्क्वायर थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर टू की पावर माइनस सेवन और आपके पास एक्स वाई की वैल्यू वन की पावर माइनस सेवन, वन की पावर कुछ भी करोगे आएगा वन, तो एक्स वाई की वैल्यू वन हो गई। जैसे आपने देखा यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू वन हो गई, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। क्वेश्चन क्या है, एक्स इक्वल्स टू रूट फाइव प्लस टू की होल पावर माइनस टू, वाई इक्वल्स टू रूट फाइव माइनस टू की पावर होल पावर माइनस टू और यहाँ पे आपसे पूछा गया वन बाय एक्स की पावर फोर प्लस वन प्लस वन बाय वाई की पावर फोर प्लस वन, ठीक है। आपने यहाँ पे फोर देखी पावर, यहाँ पे फोर देखी और आपको जल्दी से ये याद आ जाएगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब भी पावर ये हो वन बाय ए की पावर एन प्लस वन प्लस वन बाय बी की पावर एन प्लस वन हो तो आपका क्या हो जाता है, आंसर वन हो जाता है जब ए भी वन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर एक्स वाई हमारा वन हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब ये देखोगे क्वेश्चन, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही आपके लिए हो सकता है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो कुछ सेकंड का क्वेश्चन रह गया। एक्स वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अब मल्टीप्लाई भी पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपने देखा दोनों की पावर क्या है, सेम है, इसकी भी पावर माइनस टू इसकी भी पावर माइनस टू, जो फाइनल मल्टीप्लाई करने के बाद जो पावर आएगी वो माइनस टू आएगी, तो फिलहाल वो छोड़ दिया। आपने बस देखा इस वाली टर्म का स्क्वायर करा, इस वाली टर्म का स्क्वायर करा और माइनस इस वाली टर्म का स्क्वायर करा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बनने वाली है, तो आपने डायरेक्टली देखा यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर फोर इसकी होल पावर माइनस टू और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू आपके पास आ गई वन की पावर माइनस टू मतलब वन, ठीक है। बस आपको क्या देखना है, एक्स और वाई आपको दे रखे हैं, अगर बीच में प्लस का साइन है एक में और एक में माइनस का साइन है और इसका स्क्वायर माइनस जिसका स्क्वायर करने के बाद अगर आपको वन मिल रहा है तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, समझ आ गया ये बिल्कुल अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए प्लस बी इक्वल टू वन, सी प्लस डी इक्वल टू वन, ए माइनस बी इक्वल टू डी बाई सी और आपसे पूछा गया सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू। 2013 में शायद एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, ये चार ऑप्शन दे रखे थे। ये ऑप्शन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि इसके जो ऑप्शन देखोगे आप थोड़े से अलग से हो गए हैं। जनरली हम क्या करते थे, या तो हम एक वेरिएबल को जीरो मान लेते थे, चार वेरिएबल हैं आपके पास, तीन इक्वेशन है, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो। जनरली हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को या तो जीरो मान लेते हैं या कुछ और मान लेते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ए बाय बी है ऑप्शन में और यहाँ पे बी बाय ए है, तो अगर मैं इनमें से ए या बी में से किसी को जीरो मानूंगा तो एक इन दोनों ऑप्शन में से एक कंडीशन आपकी हो सकती है, तो इन्फाइनाइट बन जाए, नॉट डिफाइंड कुछ इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाए, तो आप किसी को जीरो नहीं मान सकते। यहाँ पे ए और बी को जीरो मान के आप सोल्व नहीं करोगे, ठीक है। ए और बी को यहाँ पे आप इक्वल मानोगे तब भी आपकी गड़बड़ हो जाएगी, ए और बी इक्वल मान लिए तो ये वाला आंसर सेम हो जाएगा, ये सेम। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको वैल्यू भी सोच समझ के रखनी पड़ेगी। पहली इक्वेशन है आपकी ए प्लस बी इक्वल टू वन और आप यहाँ पे देखोगे आपसे निकालना क्या है, आपको निकालना है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए प्लस बी इक्वल टू वन दे रखा है तो मैं एक वैल्यू कोई भी मान सकता हूँ, तो मैं ए और बी की वैल्यू मानूंगा, ठीक है। मैंने क्या करा, बी की वैल्यू मान ली यहाँ पे टू, बी की वैल्यू टू इसलिए मानी है, जैसे ही आप इसमें टू पुट करोगे बी की वैल्यू, ए प्लस टू इक्वल्स टू वन आया, आपके पास ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी माइनस वन। ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन हो गई, बी की वैल्यू टू हो गई। अगर ए और बी की ये वैल्यू, तो आप देखोगे चारों ऑप्शंस में जो आपके आंसर आने वाले हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। ये वन और माइनस वन अपने आप में डिफरेंट है, बी बाई ए आपका इस केस में अलग हो जाएगा और ए बाई बी की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो अगर मैं बी को टू मान लूँ और ए को माइनस वन मान लूँ तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। ए और बी की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे आपको दे रखा है ए माइनस बी इक्वल्स टू डी बाई सी, तो पुट कर देते हैं माइनस वन माइनस टू इक्वल्स टू डी बाई सी हो जाएगा आपके पास और माइनस थ्री सी आपके पास हो जाएगी डी की वैल्यू। d की वैल्यू हो गई आपके पास माइनस थ्री सी, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं d की वैल्यू, ठीक है। c प्लस डी इक्वल्स टू वन है आपके पास, तो ये हो जाएगा c माइनस थ्री सी इक्वल्स टू वन, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास माइनस वन बाय टू। c की वैल्यू माइनस वन बाय टू आ गई, इस इक्वेशन में पुट करी c की वैल्यू, तो d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, ये मिल जाएगी थ्री बाय टू। आपके पास सी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, आपसे पूछी किसकी वैल्यू गई है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू, तो लगा देते हैं, पुट कर देते हैं, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस
थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 1/4, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -9/4, आपके पास यहाँ पे बचेगा -8/4, और ये हो जाएगा -2। -2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन पर नजर डालिए, आपने आपने देखा यहाँ पे ए बाई बी है और यहाँ पे बी बाई ए है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, ये दोनों तो आपके आंसर हो नहीं सकते। ए बाई बी, ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी -1, और बी की वैल्यू क्या मानी थी 2, ठीक है। तो ए बाई बी आपका क्या हो जाएगा -1/2, और आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -1/2, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई -1/2 और हमारा आंसर आया था -2, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पुट करके देखना चाहो देख सकते हैं, बी बाई ए क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी -1, तो ये हो जाएगा -2, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर आया -2, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे आपको वैल्यू भी बड़ी सोच समझ के रखनी थी, ऐसा नहीं है कोई भी वैल्यू उठाई और रख दी और अपना आंसर निकाल लिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ एक्स प्लस वाई बाय जेड इक्वल्स टू 2, ठीक है, हमसे वैल्यू पूछी गई है वाई बाय वाई माइनस जेड प्लस एक्स बाय एक्स माइनस जेड, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है, 2017 मेंस का क्वेश्चन आया था, जो 2017 मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के मन में इंटर बैठा हुआ है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर आया था, इसलिए 2017 मेंस के क्वेश्चन अलग से बताता हूँ। बाकी जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि मैं अलग से एक्सप्लेन नहीं करता कि ये कब आया कब नहीं आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हम करते हैं सभी के सभी। तो अगर मैं इसे सोल्व करूँ, यहाँ पे एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल्स टू जेड दे रखा है, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके पास 2z हो जाएगी, ठीक है। एक इक्वेशन आपके पास तीन वेरिएबल, एक इक्वेशन तीन वेरिएबल, दो वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर। तो आप यहाँ पे देखोगे इस इक्वेशन में आपने देखा यहाँ पे माइनस जेड है और यहाँ पे प्लस माइनस जेड है, दोबारा यहाँ पे दो बार जेड आ रहा है। अगर मैं ये दोनों जेड हटा दूँ इस इक्वेशन से, जेड मुझे रिमूव करना हो, तो मैं इस इक्वेशन में अगर जेड की वैल्यू 0 मान लूँ, तो ये दोनों जेड यहाँ पे हट जाएंगे और हमारी इक्वेशन थोड़ी सी सिंपलीफाई हो जाएगी, फिर आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया। मैंने यहाँ पे जेड को 0 माना, तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 आ गया और एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई आ गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू माइनस वाई के बराबर, माइनस वाई की कोई भी वैल्यू मानोगे आप एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और पुट करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपको वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही आपने यहाँ पे जेड को 0 माना, तो आपके पास क्या हो जाएगा वाई बाई वाई यहाँ बचेगा और प्लस यहाँ पे बचेगा एक्स बाई एक्स, ये कट जाएगा 1 और 1, 1 + 1, 2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3 × 1 + xyz, लिख देता हूँ दोबारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3 × 1 + xyz, दूसरा है आपके पास पी इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस एक्स, क्यों है आपके पास बराबर जेड एक प्लस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे आपको आर दे रखा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और आपसे वैल्यू पूछी गई है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3PQR। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे 4 इक्वेशन दे रखी हैं और वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, 4 इक्वेशन और 6 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे लिए आसान क्या हो जाता है जब हम वेरिएबल को क्या रख देते हैं 0। तो आपने देखा यहाँ पे आपसे पूछी गई है पी क्यूब क्यू क्यूब आर क्यूब माइनस 3PQR, मतलब पी क्यू आर के टर्म्स में आपसे वैल्यू पूछी गई है, और आपसे कहीं भी एक्स वाई जेड का जिक्र नहीं कर रखा, ना ही क्वेश्चन में ना ही ऑप्शन में, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 की वैल्यू मान सकते हैं, 3 की वैल्यू नहीं मान सकते। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपना y को 0 मान लेता हूँ और z को 0 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत, मैंने मान लिया y इक्वल्स टू 0, जेड इक्वल्स टू 0 मान सकते हैं, दो वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो आपके पास p की वैल्यू यहाँ पे क्या बचेगी, p की वैल्यू बचेगी आपके पास माइनस एक्स, क्यू की वैल्यू आपके पास बचेगी x और r की वैल्यू आपके पास बचेगी x, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। पी क्यू आर की वैल्यू आपको मिल गई, आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, आपसे वैल्यू पूछी गई है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3PQR की, ठीक है। इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट करा आपके पास हो जाएगा पी क्यूब की वैल्यू तो हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3 × x − x × x × x, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2x³, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और 3x³ ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस 5x³, और आपके पास बचेगा यहाँ पे 4x³।
ठीक है, इतना आपका आ गया। अब यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू भी चाहिए। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपने सबसे पहली इक्वेशन देखी, इस इक्वेशन में भी आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट कर दो, मतलब वाई और जेड जो हमने माना वो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपके पास वाई और जेड, जैसे ही जीरो करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू थ्री इंटू वन प्लस एक्स वाई जेड है, तो वन प्लस जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई और जेड जीरो है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई थ्री। अब यहाँ पे आपको फोर एक्स क्यूब की वैल्यू बतानी है, और एक्स क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, आपके पास एक्स क्यूब की वैल्यू थ्री आ गई है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो फोर इंटू थ्री आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, ये भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपको यहाँ पे दे रखा है एक्स इक्वल्स टू ए बाई बी प्लस बी बाई ए, वाई इक्वल्स टू यहाँ पे बी बाई सी प्लस सी बाई बी, और यहाँ पे जेड इक्वल दे रखा है आपको सी बाई ए प्लस ए बाई सी के, और आपको वैल्यू पूछी गई है एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। आप यहाँ पे देखोगे कि कितने वेरिएबल हैं, आपके पास छः वेरिएबल हैं और तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन दे रखे हैं, छः वेरिएबल पूछे गए दे रखे हैं और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। मतलब आप देखोगे यहाँ पे एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की आपको वैल्यू बतानी है, मतलब एक्स वाई जेड की टर्म्स में आपको वैल्यू बतानी है, और जो आपके आंसर हैं ऑप्शंस दे रखे हैं जो सारे कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, मतलब ए बी और सी की वैल्यू मैं कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे सिमेट्रिक भी है, ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, तो हमें ज़्यादा कुछ अब सोचना ही नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू वन कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, जीरो नहीं कर सकते क्योंकि वन बाई जीरो की फॉर्म बनेगी, तो वन करेंगे। ठीक है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू वन रख दिया, तो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई टू, वाई की वैल्यू टू, जेड की वैल्यू टू। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ सभी एक्स के बराबर हो गए। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू टू हो गया आपके पास। एक्स वाई जेड को रिप्लेस करके टू कर देंगे हम यहाँ पे, तो बनेगा आपके पास टू क्यूब माइनस टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, तो आपके पास बनेगा यहाँ पे एट माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर, और माइनस फोर आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर वन। क्लियर? ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको देख रहा है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस थ्री पी क्यू आर इक्वल टू फोर, ए इक्वल टू क्यू प्लस आर, बी इक्वल टू आर प्लस पी, सी इक्वल टू पी प्लस क्यू। वैल्यू पूछी गई है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी की। ठीक है, तो आपने फिर से यहाँ पे देखा, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आपको दे दिए, यहाँ पे आपको वेरिएबल्स दे दिए छः, छः वेरिएबल चार इक्वेशन, छः वेरिएबल चार इक्वेशन, और ए बी सी के टर्म्स में आपको वैल्यू बतानी है, मतलब आपको पी क्यू आर में से किसी दो वेरिएबल की वैल्यू माननी पड़ेगी। तो एक बार दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब माइनस थ्री पी क्यू आर, ये किसके इक्वल दे रखा है फोर के, एक्वल्स टू क्यू प्लस आर, बी इक्वल्स टू आर प्लस पी एंड सी इक्वल्स टू पी प्लस क्यू दे रखा है, और वैल्यू बतानी है आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी की। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब आपने देखा यहाँ पे आपको ए बी और सी, ठीक है, इनके टर्म्स में आपको आंसर चाहिए, तो यहाँ पे आप कर सकते हो छः वेरिएबल हैं चार इक्वेशन है, तो दो वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो। तो मैं क्या कर देता हूँ, आर और क्यू को क्या कर देता हूँ, आर और क्यू को जीरो कर देता हूँ, काम खत्म करता हूँ आर और क्यू का। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ए की वैल्यू मिली यहाँ पे जीरो, ठीक है, बी की वैल्यू मिली आपको पी, और सी की वैल्यू क्या मिली आपको, सी की वैल्यू भी मिल गई पी। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यू मिल गई आपको पी की टर्म्स में, और आपकी पहली इक्वेशन है इसमें भी आर और क्यू को अगर मैं जीरो कर दूंगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, पी क्यू प्लस ये जीरो बना, ये जीरो बना, ये जीरो बना, तो ये जीरो हो गया इक्वल्स टू यहाँ पे फोर क्या आ जाएगा इक्वल, तो पी क्यूब की वैल्यू आपको फोर मिल गई। ठीक है, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू पी, सी की वैल्यू पी, तो ये तो हो गया जीरो, ये पी क्यूब प्लस पी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो, तो आपके पास हो जाएगा टू पी क्यूब, पी क्यूब की वैल्यू फोर, तो टू इंटू फोर, और आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा एट, एट आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? कुछ था इस क्वेश्चन में, नहीं था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, तीन क्वेश्चन बचे हैं, 28, 29 और 30। आज के सेशन में बस इतना करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और आपसे वैल्यू पूछी गई है इस एक्सप्रेशन की, ए प्लस बी बाई सी प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस सी प्लस ए बाई बी इंटू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी प्लस
बी डिवाइडेड बाई सी प्लस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। फिर से आपने देखा एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं, वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जीरो नहीं मान पाओगे। ए बी और सी में से किसी को भी जीरो मानोगे तो यहाँ पे कंडीशन आपकी वॉयलेट हो जाएगी। तो कर लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। मैंने बताया इस केस में आपको जनरली मानना क्या है, ए और बी की वैल्यू तो मान लेते हैं वन, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू। पुट कर दोगे आप, इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे। ये आपके ऊपर है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई आर माइनस पी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू। आपसे वैल्यू पूछी गई है पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी की। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है। अगर इस तरह की आपको चीज दे रखी हो और आपसे टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन पूछे हैं कितनी इक्वेशन दे रखी है आपको, तो इक्वल्स टू काउंट कर लेना, एक इक्वल टू दो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन आपके पास इसमें है, टू इक्वेशन है। वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, वेरिएबल हैं इस क्वेश्चन में आपके पास एक दो तीन चार पाँच और छः, छः वेरिएबल हैं, छः वेरिएबल दो इक्वेशन है। इसका मतलब चार वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन चार वेरिएबल की आप वैल्यू कुछ भी मानोगे, हो सकता है इस क्वेश्चन में फंस जाओ, कंडीशन आपकी सेटिस्फाई ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बेसिक से भी कर सकते हैं, तो मैं बेसिक से बताऊंगा, वैल्यू पुट करके आप खुद देखना कि कौन सी वैल्यू पुट करके क्या आपका आंसर आ रहा है। मैं बेसिक से आपको करा देता हूँ एक बार। ए डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई आर माइनस पी इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू दे रखा है। इसे मैं के इक्वल मान लेता हूँ, एक के वेरिएबल ले लिया, इसे के इक्वल मान लिया, तो आप कहोगे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, के इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, इसे इसके इक्वल रखा। इसी तरह बी अपॉन में आर माइनस पी को के इक्वल रखूंगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के आर माइनस पी। और आपके पास तीसरी है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू हो जाएगी के पी माइनस क्यू। ठीक है, यही वैल्यू हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी की वैल्यू बतानी है, पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, पुट कर देते हैं, पी इंटू ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ए की वैल्यू आई है के इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू, बी की वैल्यू आई है हमारे पास के इंटू आर माइनस पी, आर प्लस आर इंटू सी की वैल्यू आई है के इंटू पी माइनस क्यू। क्लियर, ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर रखे हो, कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास जीरो बन जाएगा। विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, पी को मैं अंदर ले गया, तो आपको मिलेगा के पी क्यू माइनस आर पी प्लस के आर क्यू माइनस पी क्यू प्लस के आर पी माइनस क्यू आर। ठीक है, के कॉमन लिया, सबको ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे पी क्यू माइनस आर पी प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस क्यू आर। ठीक है, सबको ऐड करोगे, सब आपस में ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और आपको यहाँ पे मिल जाएगा जीरो। तो के इंटू जीरो हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन मिले इस क्वेश्चन को याद रख लो, अपने माइंड में थोड़ा सेव कर लो, पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी आपसे पूछा जाए उस तरह का क्वेश्चन हो तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप एग्जाम में बिल्कुल भी गलती मत करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस वन इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, आपने देखा तीन वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और आपसे सोल्व करके आपको आंसर बताना है। आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है, इसका मतलब ए और बी की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी ऑप्शन पे नजर जाएगी, आप देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं और चार ऑप्शन में ए और बी दे रखे हैं। ए और बी की आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जो चार ऑप्शन में से एक भी, एक पे भी आपको सेम आंसर ना मिले। तो इस केस में ज्यादा रिस्क ना लेते हुए हम ए को थ्री मान लेते हैं और बी को वन मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ी वैल्यू बड़ी ले ली, ए की वैल्यू थ्री ले ली, लेकिन मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है अगर हम बड़ी वैल्यू ले लेते हैं एक, तो चार ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हमारा सेम नहीं जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं, ए की वैल्यू थ्री रखी, टू इंटू थ्री सिक्स माइनस वन यहाँ पे मिला फाइव, यहाँ पे मिला आपको a प्लस बी फोर, ए माइनस बी आपको मिलेगा यहाँ पे टू, और यहाँ पे मिलेगा आपको ये हो जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स प्लस वन सेवन। ठीक है, आप देखो कि चार ऑप्शन में अलग अलग वैल्यूज मिलती है, मतलब a की वैल्यू थ्री और b की वैल्यू वन मान के सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वन फोर प्लस वन इक्वल्स टू यहाँ पे x डिवाइडेड बाई a माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास थ्री माइनस वन और ये हो जाएगा टू प्लस ए माइनस बी थ्री माइनस वन, ये दोबारा टू आया और आपके पास ए प्लस बी हो जाएगा फोर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, इसे काट दिया, ये हो गया वन बाई टू, एक्स वाली टर्म इधर कॉन्स्टेंट टर्म उधर, तो आपके पास मिल जाएगा यहाँ पे एक्स बाई फोर माइनस एक्स बाई टू मिलेगा और ये हो जाएगा आपके पास वन बाई टू माइनस वन।
तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइनस एक्स बाय फोर, यहाँ पे मिला आपको माइनस एक्स बाय फोर, और यहाँ पे इस साइड मिल जाएगा आपको माइनस वन बाय टू। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ काटा आपको मिलेगा, ये फोर से टू गया, यहाँ पर मिला टू, और एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, टू। ठीक है, जिस ऑप्शन में आपकी एक्स की वैल्यू टू आ रही है वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थ्री में देखोगे आपका आंसर क्या आ रहा था, टू, तो ऑप्शन नंबर थ्री आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड हमने मोस्टली सारी बातें कर ली हैं, एक और सेशन आएगा वैल्यू पुटिंग पे ही, जिसमें हम वो केसेस देखेंगे जहाँ पे आप वैल्यू खुद से पुट नहीं कर सकते। ठीक है, उन केसेस को मैंने अलग से इकट्ठा करके आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे कि आप एग्जाम में कोई भी गलती ना करो, उन केसेस में वैल्यू पुट करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, इससे नेक्स्ट वीडियो वही होगी। उसके बाद दो तीन लेक्चर्स और आएंगे हमारे एलजेब्रा के ऊपर, और हमारा एलजेब्रा पूरी तरह से वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ, आपका दिन शुभ हो।